आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नहीं नहीं वीर जी, पुना बस मैंने थोड़ी सी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? तो तेरे बैग में कोई स्वेटर या शॉल नहीं है? वीर जी, शॉल तो एक ही है, पर वो तो मैं बीजी के वास्ते लाई हूँ ना। तो क्यों या? कोई गल नहीं, तू अभी शॉल ओढ़ ले और घर जाके बीजी को दे देना, ठीक है? ठीक है। वीर जी, ए रंग बीजी नू पसंद आएगा ना? वीर जी, आपको पता है इस शॉल के वास्ते ना मैंने पूरा चांदनी चौक छान मारा। इस वास्ते मैं ये शॉल बीजी नू अपने हाथों से उड़ाऊंगी, बस बीजी नू पसंद आ जाए। इतना अंधेरा क्यों है? बाहर भी अंधेरा था। लगता है पिंड की बिजली गई हुई है। रुक, मैं देख के आंदा। अब ये चाय जी कितनी? कैसा है भाई? वीर जी, चप्पी वीर जी, आप सब कैसे हैं? मुबारका वीरा पुत्र, मुबारका। स्वागत है पिंड की पहली ग्रेजुएट कुड़ी का। चलो भाई, ढोल बजाते चलो।
रहा। चंगी नहीं है सवेरे से, बड़े दिनों से काम कर रही ना सारे घर का कल्ली, इसलिए थक गई है शायद। मैंने दवा भी दी थी दोपहर में। आप लोग भी कब से आए हुए हो चीचड़ी को मिलने के वास्ते, उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका। इतनी रात हो गई है, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं सवेरे लेके आ जाऊंगी चीचड़ी को आप सबसे मिलाने के वास्ते। वो चिंचड़ी अपने वीर के ही गले लगी रहेगी, अपनी चाय जी को चप्पी नहीं पाएगी। हुर। हुर। मोटी चाय जी। चिंचड़ी बस कर। अब चाय जी नु छोड़, चल उठते, मैं दिखाता मैंने कैसे तेरा कमरा तैयार किया है। बहुत चंगा बना, जा। की कितना सब कुछ करके यहां आके बैठ गई, की हो गया तनु? इतने वक्त के बाद बच्ची घर आई है, ऐसे करते हैं बच्चों का स्वागत? थाली गिरा दी। जब तू थाली लेकर आई ना, तब मेरे को कहीं मन में लगा कि आज तू अपने प्यार का एक चमचा प्यार का उसकी चोली में जरूर डालेगी। पर ना जी, रतन तो ऐसा कर ही नहीं सकती वीरा के साथ। क्या बिगाड़ा है उस बच्ची ने तेरा? बार बार तू उसकी खुशियां क्यों ऐसे छीनती है? इतना बड़ा दिन था उसके वास्ते, आज ऐसे स्वागत करते हैं? बोल ना कुछ। चाची मैंने अकेला छोड़ दी है, कल्ला ही छोड़ा हुआ है तेरे को इतने सालों से, पर ऐसे ही करती रहेगी ना तो देखना जिंदगी में कल्ली रह जाएगी। रब्बा कितनी बार समझाया तेरे को कि रतन पुत्र बच्ची है, वो उसने कौन सा पाप किया है, क्यों उसको बार बार तू सजा देती है? तू सब कुछ भूल क्यों नहीं सकती रतन? क्यों करती है तू ऐसा, बता मेरे को? क्योंकि उसका चेहरा नहीं भूलने देता मन्नू उस बात को। आज जब वो उस शॉल में, उन कपड़ों में मन्नू वीरा नजर नहीं आई चाय जी,
मैंने उसकी माँ नजर आई, उसकी माँ। इक्कीस साल पहले जब वो मेरे दरवाजे पर आई थी, आज वीरा उसी तरह खड़ी थी वहां पर, उसी तरह। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं वो चेहरा, वो चेहरा जो मेरी जिंदगी में आया, तो मेरी जिंदगी के कई चेहरे बदल गए, मेरी जिंदगी के रिश्ते बदल गए जी। कैसे भूल जाऊं मैं वो चेहरा। आज आज मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था खुद को, बहुत मुश्किल से मनाया था कि मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने रणवीर की खातिर पहली बार वीरा को अपनाने की कोशिश करूंगी। पर जैसे ही दरवाजा खुला चाय जी, मैंने वो अमृत वो औरत नजर आई, वो औरत, और मेरे सारे घाव उधड़ गए। मेरे पति का खोना, मेरे घर का टूटना, मेरी जिंदगी का बिखरना, सब मेरे सामने आ गया चाय जी। आप ही बताओ मैं क्या करती, क्या करती मैं चाय जी। अपनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है चाय जी। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हर रोज इसी घर में वीरा का सामना कैसे करूंगी, कैसे करूंगी मैं सामना। मैंने नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मैंने चाय जी। बस 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 शांत हो जा। ए देख है सब तेरे तेरे पसंद के हिसाब से कितना है, और जैसे तूने क्या सी ना है तेरे वाले रंग ते पर्दे। ऐ चादर भी और ये लकड़ी वाले अलमारी कपड़े रखने वास्ते, और हाँ ऐ अपने हाथों से चाक के बनाए थे ये, और वो गुल्लक वड्डी वाली वो मैंने अब अपने हिसाब से जोड़ दिया था। तू देख ले तेरे कुछ देखना मत। तेनु सब सही लगा ना? स्पेक्टैक वीर जी, मतलब बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था। कितना अच्छा लग रहा है ना अपने घर वापस लौटकर, अपने कमरे में आकर। वीर जी मैं आपको बता नहीं सकती मैंने आपको कितना मिस किया है। आपसे रोज बात तो होती थी पर चल एक मजेदार चीज करते हैं। ये वीर जी सब ऐसे ही बता दूंगा तो की मजा, चल ना। कूल बस रब जी मैंने कोई ऐसी गोंद देने के कह जो तेरी मुस्कान है ना मैं हमेशा के लिए तेरे होठों पे चिपका दूं। ओह वीर जी मेरे सेट के वीर जी। हाँ चल रुक 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 बाहर बड़ी ठंड है, तू कोई जैकेट शैकेट पहन ले। हाँ जी प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।